औद्योगिक नगरी पीथमपुर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों के सम्मान में विशाल तिरंगा वाहन रैली का आयोजन हुआ। रैली में पीथमपुर के सेक्टर 3 स्थित इंडोरामा टोल नाके से प्रारंभ हुई, जिसे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजीव यादव द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पीथमपुर के सेक्टर 1 अंतर्गत स्थित हाउसिंग बोर्ड छत्रपति शिवाजी नगर पर आकर शिवाजी महाराज को माल्यार्पण के साथ संपन्न हुई। वहीं यात्रा के आयोजक खेल प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजकुमार रघुवंशी ने बताया कि देश के शहीदों को हमेशा याद रखें, उनके द्वारा आजादी के लिए दिए गए बलिदानों से प्रेरणा लेकर युवा पीढ़ी देश हित से भागीदार बने, इसी उद्देश्य को लेकर यह तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। वहीं रैली में शामिल युवा देशभक्ति के गानों पर झूमते हुए हाथों में तिरंगा थामे वंदे मातरम भारत माता की जय के नारों का जयघोष करते हुए दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों पर हजारों की संख्या में निकले रैली का सैकड़ों मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। मैं राष्ट्रप्रेमी जनता को बहुत बहुत आभार मानता हूं, जो पीथमपुर की जनता ने बढ़ चढ़कर इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाया। इसलिए मैं माननीय राजू यादव जी, बाकी सब लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूं। माननीय करण सिंह जी पवार, ये लोग सब अतिथि के रूप में पधारे थे, और क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर। जय हिंद, जय भारत। मनोज जायसवाल। ये जो यात्रा निकाली हमने शहीदों के सम्मान में, जो यात्रा निकाली हमने ये शहीदों के सम्मान में निकाली है, जो शहीद हुए हमारे देश के लिए उनको हमने आज याद किया। आपका नाम बताइए। राजकुमार रघुवंशी। जी भैया, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो तिरंगा वाहन रैली के रूप में निकला, ये बलिदानी क्रांतिकारियों को समर्पित ये वाहन रैली पूरे इंडोरामा से पीथमपुर तक एक भव्य वाहन रैली के रूप में हर नगर नगर पे हर घर से स्वागत हुआ। मैं सभी देशभक्त जिन्होंने के कारण ये देश आज़ाद हुआ, जिन्होंने सब कुछ निछावर कर इस देश को आज़ाद किया, उनके लिए मैं समर्पित होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। मैं तो हर दिन चाहूंगा कि हर दिन उनके लिए एक उत्सव के रूप में एक कार्यक्रम बने, ताकि लोग उसको नमन कर सके, याद कर सके। राजीव यादव धार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।